आटे का हलवा तो सभी को बहुत पसंद होता है और आज उसी की रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड जंक्शन बाय नेहा। आइए स्टार्ट करते हैं आटे का हलवा बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें डालेंगे 1 कप घी। आप कोई भी एक मेज़रमेंट सेट कर लीजिए, या तो कप ले लीजिए या फिर कटोरी ले लीजिए, बाकी सारे इंग्रेडिएंट आप उसी से नाप कर इसमें ऐड करिएगा। देखिए घी थोड़ा सा गर्म हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप गेहूं का आटा। आटे का हलवा हमारे यहाँ अष्टमी में बनाया जाता है, और आपके यहाँ इसे कब बनाते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब इस आटे को हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। अगर आटा अच्छे से भुना हुआ होगा तो उसका हलवा खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। अगर आटा अच्छे से भुना हुआ नहीं होगा तो उसका हलवा खाने में थोड़ा कच्चा सा लगेगा, इसलिए आटे को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लें। देखिए 15 मिनट हो गए हैं और ये आटा भी अच्छे से भुन गया है, इतना ही हमें इसे भूनना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो जिस कप से हमने आटा नापा था उसी कप से हम 3 कप पानी इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें एक भी लम्स ना पड़े। धीरे धीरे सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा और हमारे आटे का कलर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, पर ये कलर वापस से जब हम इसमें चीनी डालेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो यहाँ मैंने 1 कप चीनी इसमें ऐड करी है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसे वापस से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी जो चीनी है वो घुल जाए। गुरुद्वारे में इस हलवे को कड़े प्रसाद के रूप में देते हैं। देखिए चीनी घुल गई है और आप नोटिस करेंगे हलवा कढ़ाई से अलग होने लगा है, इसका मतलब हमारा हलवा बनकर तैयार है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 छोटी इलायची पिसी हुई। छोटी इलायची का फ्लेवर इस हलवे में बहुत ही अच्छा आता है। थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे और हमारा हलवा तैयार है सर्व करने के लिए। देखिए कितने कम समय में हमारा परफेक्ट आटे का हलवा बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए इसका भोग लगा लेते हैं। अब जब भी आटे का हलवा खाने का मन हो तो आप इस परफेक्ट मेजरमेंट के साथ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।